ओम ज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, तो हम लोग देख रहे थे श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 2। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है गीता, GIT। तो जी किसके लिए है? सरेंडर टू गुरु। और शुरू के 10 श्लोकों में हमने वो देखा। उसके बाद जो गुरु है वो सबसे पहला ज्ञान देता है आइडेंटिटी का, कि कैसे हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। सो आई फॉर आइडेंटिटी। जब व्यक्ति को पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो टी है टू टाइप्स ऑफ धर्मा। एक धर्म जो शरीर के लिए है स्वधर्म, और एक धर्म जो आत्मा के लिए है सनातन धर्म। और ए है आत्माराम। इन दोनों धर्मों का जो पालन करता है आत्माराम, उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो फिक्स हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस कृष्ण में फिक्स हो जाती है। तो पहला सेक्शन हमने देखा था सरेंडर टू गुरु, उसके बाद दूसरा सेक्शन आइडेंटिटी, वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, आत्मा का जो स्वभाव है। और जो तीसरा सेक्शन है वो स्टार्ट किया था। तीसरे सेक्शन में भगवान अर्जुन को कर्म कांड के स्तर पे ये बता रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। सो 2.31 से 38 ये रिसाइट करेंगे। स्वाधर्मम विचावेक्षा नाविकम्पितुम अर्हसि धर्माधि युद्धाश्रेयो अन्यत् अन्यत् क्षत्रियस् न विद्यते यद्रच्छया च पापन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमित्रिशम् अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं अवाप्स्यसि आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् तिरच्यते भयाद्रणदो परतं मां त्वां महारथा येषां चा त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कान्ते आयुद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। तो इस सेक्शन में हमने देखा था कि भगवान बताते हैं, 31वें श्लोक में सबसे पहले अर्जुन को भगवान बताते हैं स्वधर्म चावेक्षा, अपने स्वधर्म का चिंतन करते हुए ना विकम्पे तुम अरसी, तुमको हिचकिचाना नहीं चाहिए। धर्म यादि युद्धाश्रयो, धर्म युद्ध धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए जो युद्ध का अवसर मिलता है ये बहुत श्रेयस्कर अवसर है
अन्यत्र क्षत्रियस् न विद्यते। इससे श्रेयस्कर अवसर क्षत्रिय के लिए और कुछ हो नहीं सकता। तो अर्जुन ने पहले पूछा था दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कि मुझे कुछ जो श्रेयस्कर है वो बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं जो क्षत्रिय है उसके लिए युद्ध का जो अवसर है यही सबसे श्रेयस्कर है। फिर 32 में भगवान ने बताया यदृच्छया च पापन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। और यदृच्छया अपने आप जब ऐसा अवसर क्षत्रिय के जीवन में आता है कि युद्ध करने का अवसर, तो अपने आप जब ऐसा अवसर उत्पन्न होता है उसको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ऐसा अवसर स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। वैसे अगर स्वर्ग जाना है तो धर्म करना पड़ेगा, बहुत सारा पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्वर्ग जा सकता है। लेकिन क्षत्रिय को अगर युद्ध का अवसर मिल गया तो वो डायरेक्ट वहां से स्वर्ग जा सकता है। 33 में भगवान बोलते हैं अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम, फिर भी अगर तुम ये धर्म का पालन नहीं करोगे और संग्रामम न करिष्यसि युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तथा स्वाक धर्मम कीर्तिम च हित्वा, तो तुम्हारा धर्म और कीर्ति दोनों का नाश होगा। पापम अवाप्स्यसि, और तुमको पाप लगेगा। फिर 34 में भगवान ने बताया है अकीर्तिम चापि भूतानि, अकीर्तिम और लोग तुम्हारी जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगी। अकथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, और लोग तुम्हारे बारे में बहुत चीजें बोलेंगे, बहुत गलत बोलेंगे। संभावितस्य, और जो ऐसा व्यक्ति है जिसको संसार में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है, ये मरणादतिरच्यते, वो उसका जब सम्मान की जगह जब अपमान होता है तो वो उसके लिए मृत्यु के समान रहता है, भगवान उसको बोल रहे हैं। भयाद रणद उपरतम, तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं मैं डर से नहीं भाग रहा हूं, मैं तो दया के कारण युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो भगवान बोलते हैं तो तुम सोच रहे हो भयाद रणद उपरतम, भय के कारण तुमने रण छोड़ दिया। मानुष्यंते, ऐसा मानेंगे महारथा, जो महारथी लोग हैं वो ये मानेंगे कि तुमने डर से युद्ध छोड़ दिया। ये शाम च तुम बहुमतो, अभी तक तुमको बहुत बड़ा मानते थे वो ये सारे महारथी। भूतवा यास्यासि लाघवम, अब क्या है, अब सोचेंगे अरे तो ये तो डर गया, ये तुम्हारी जो कीर्ति है उसको नाश हो जाएगा। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था 36 वर्स। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम् किम्। अवाच्य वादांश बहून, तो जब ये जो बड़े बड़े महारथी हैं तुम्हारे बारे में बात करेंगे, कैसी बात करेंगे, अवाच्य वादांश, ना बोलने योग्य बातें करेंगे, जिन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का भी उपयोग तुम्हारे लिए करेंगे। बहून, बहुत सारे। वदिष्यन्ति तवाहिता, और जब ऐसे तुम्हारा अहित चाहने वाले जो तुम्हारे शत्रु हैं इस तरह से तुम्हारे लिए बात करेंगे। निंदनस्तव सामर्थ्यम, तो इस प्रकार से तुम्हारी निंदा करेंगे ये, उसको तुमको सहन करना पड़ेगा। ततो दुख तरम नकुम, इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए क्या होगा। तो अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करूंगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बहुत बड़ा दुख होगा। युद्ध नहीं करोगे, धर्म का पालन नहीं होगा, पाप लगेगा, कीर्ति चली जाएगी, और अभी तक के जो तुम्हारा जो टैग था कि नंबर वन आर्चर, सबसे बड़े जो धनुर्धार है, धनुर्धारी अर्जुन है और इतने शक्तिशाली है, ये सब जो टैग है ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तुम्हारी निंदा करेंगे और वो निंदा सहन करने लायक नहीं होगी, बहुत बड़ा दुख होगा तुम्हारे लिए। 37 वर्ष में फिर भगवान बोलते हैं हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, और अगर तुम युद्ध करते हो, अब युद्ध में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु होगी, तो जब मृत्यु होगी तो प्रॉब्लम क्या है। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमको क्या प्राप्त होगा,
स्वर्ग प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जीतवा अगर तुम जीत गए वा भोक्षसे महिम, तो महान राज्य मिलेगा। तो अब ना भगवान ने अर्जुन की सिचुएशन को पूरा चेंज कर दिया। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि ये लूज लूज सोल्यूशन है। अर्जुन कैसे देख रहे थे सिचुएशन को, परिस्थिति को, अर्जुन को लग रहा था तो लूज लूज सिचुएशन। अगर मैं युद्ध करूंगा तो दो ही चीज हो सकती है, तो जीतूंगा या तो हारूंगा। तो अगर मैं जीतता हूँ युद्ध को तो इतने सारे स्वजनों को मारना पड़ेगा, तो जीत के भी हार जाऊंगा मैं, लूज सिचुएशन हो गया। और अगर मैं जीतता नहीं हूँ, हारता हूँ, तो ये भी कोई क्षत्रिय को अच्छा नहीं लगता। तो अर्जुन को लग रहा था लूज लूज सिचुएशन। और वही अर्जुन ने गीता के पहले अध्याय में बोला है, निमित्तानि च विपरीतानि, विपरीतानि च निमित्तानि केशव। ये सारे निमित्त, सारा जो मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट है, उल्टा आने वाला है। और भगवान अर्जुन को अभी एकदम चेंज कर दिया। भगवान बोल रहे हैं ये लूज लूज सिचुएशन नहीं है, तो विन विन सिचुएशन है। हाँ, क्योंकि तुम युद्ध करोगे और अगर हार गए तो मृत्यु होगी, तो स्वर्ग मिलेगा तो अच्छी बात है, और तुमने युद्ध किया और तुम जीत गए तो राज्य मिलेगा। तो भगवान ने अर्जुन के मनोभाव के एकदम अपोजिट, भगवान ने जो लूज लूज सिचुएशन थी उसको विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया। तस्मात उत्थिष्ठ कौन्तेय, इसीलिए तस्मात, भगवान बोलते हैं तस्मात, इसीलिए हे कौन्तेय तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चया, और निश्चय पूर्वक ये युद्ध करो। तो भगवान ने बहुत बुद्धिमानी के साथ अर्जुन को ये समझाया कि अर्जुन बोल रहे थे सेकंड लेवल ऑफ आर्गुमेंट, भगवान यहाँ पे खत्म करते हैं। तो सबसे पहले 11 से लेके 30 श्लोकों में भगवान ने एनालिसिस के द्वारा अर्जुन को समझाया कि तुमको युद्ध करना चाहिए। अभी 31 से 37 में भगवान ने कर्मकांड के स्तर पे अर्जुन को समझाया। क्या समझाया है कि तुम युद्ध करोगे तो तुम सोच रहे हो कि एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा युद्ध करने के कारण, एक ये रीजन था, लेकिन युद्ध करोगे तो एंजॉयमेंट मिलेगा, तुम हारो चाहे जीतो। तो अब है ये जो 2.38, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। तो यहां से वापस से एक थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा है। तो दूसरे अध्याय में पहले सेक्शन में अर्जुन भगवान को शरणागत होते और भगवान से बोलते हैं, यत श्रेयम निश्चितम ब्रूहितन्मे, हे भगवान निश्चय करके आप मुझे जो श्रेयस्कर है मेरे लिए मुझे बताइए। फिर दूसरे सेक्शन में 11 से लेकर 30 तक भगवान बताते हैं कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, शरीर को बचाया नहीं जा सकता है, इसीलिए तुम युद्ध करो। तो इस सेक्शन में भगवान ने जो कंपैशन वाला आर्गुमेंट था अर्जुन का कि मैं कंपैशनेट हूं, मैं दया के कारण सबको मारना नहीं चाहता, तो भगवान ने वो आर्गुमेंट हटा दिया। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कंपैशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर का, तो शरीर को तुम बचा नहीं सकते हो, आत्मा का नाश हो नहीं सकता है, तो फिर दया किस पे तुम दया दिखा रहे हो, तो आत्मा का तो नाश होगा नहीं, तो उसमें दया की आवश्यकता नहीं है। और जो शरीर है वो बच नहीं सकता है, तो उसमें भी दया दिखा के कुछ होगा नहीं, तो वो भगवान ने एड्रेस किया है। फिर जो तीसरा सेक्शन है 31 से 37, इसमें भगवान ने कर्म कांड के स्तर पे इंजॉयमेंट वाला जो अर्जुन का आर्गुमेंट था कि मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, तो भगवान ने बोला, अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के लिए तो यही सबसे बड़ा इंजॉयमेंट है, धर्म युद्ध करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, तो या तो स्वर्ग में इंजॉय करेगा और नहीं तो जीतेगा तो यहाँ पे राज्य में इंजॉय करेगा। अब 38 से 53 वाला जो सेक्शन है, इसमें भगवान अर्जुन का जो आर्गुमेंट था कि मुझे पाप लगेगा, उसको एड्रेस कर रहे हैं। अर्जुन को लगा कि मैं युद्ध करूंगा और ये तो घोर कर्म है, युद्ध से मुझे पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म योग, यहाँ पे बताते हैं निष्काम रूप से अगर कर्म करोगे तो रिएक्शन नहीं बनेगा। तो हम देखते हैं कर्म अकर्म विकर्म, इसकी गति होती है। संसार में व्यक्ति कर्म करता है तो उसको उसको पुण्य कर्म होता है, जब पुण्य कर्म करता है तो उसको पुण्य पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, पाप कर्म करता है जिसको विकर्म बोलते हैं तो उसको पाप भोगना पड़ता है। लेकिन जो अकर्म होता है, मतलब भक्ति में जो कर्म करता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो वही भगवान अर्जुन को यहाँ बताने वाले हैं।
सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख में दुख में समय समान रूप से तुम रहो। लाभ हो लाभ हो, जय जय हो, लाभ हो अलाभ हो, लाभ मतलब प्रॉफिट, अलाभ हो मीन्स लॉस, प्रॉफिट लॉस, जया जय हो, विक्ट्री डिफीट, सफलता में असफलता में, लाभ हानि सुख दुख, ये सब में तुम क्या रहो, सम रहो। ये अभी इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे लाभ और हानि, हाँ ये प्रयास में होता है, कोई प्रयास व्यक्ति कर रहा है, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी उसके प्रयासों में, कभी प्रॉफिट मिलेगा कभी लॉस मिलेगा। अभी इसी तरह प्रॉफिट लॉस जो है ये ट्रांजिशनल है, जैसे कोई युद्ध करेगा तो युद्ध में कभी कभी उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कभी कभी वो जीतेगा और कभी कभी हो सकता है वो हारेगा। तो भगवान बोल रहे हैं इन सब में तुम सम रहो, ततो युद्धस्व युज्यस्व, ये सारी चीजों में सम रहते हुए तुम युद्ध में युक्त हो, तुम युद्ध करो। नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो जब इस भाव से तुम युद्ध करोगे तुमको कोई पाप ही नहीं लगेगा। तो भगवान अर्जुन ने गीता में 1.36 में भगवान को ये बोला था, पापम एवा श्रेय दस्मान हत्वेतान आततायना। अर्जुन बोलते हैं कि ये हमारे जो स्वजन है ये हम पे, इनको अगर हम मार के राज्य भी प्राप्त कर लेंगे लेकिन हमको क्या, पापम एवा आश्रय, हमको पाप का आश्रय लेना पड़ेगा, हमको पाप लगेगा। यहाँ पे भगवान को क्या बोल रहे हैं, नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुमको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पाप, बिकॉज समय कृत्वा, जब तुम डिटैचमेंट से निष्काम भाव से काम करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। तो तुम युद्ध करो जीतने के लिए नहीं, तुम युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। तो अभी क्या है, ये पिछले जो भगवान ने 2.31 से 37 में बताया था उससे एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। 31 से 37 में भगवान ने बोला था युद्ध करो जीतो और राज्य प्राप्त करो, यही बोला था, वो कर्म कांड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जीत है हार है उसकी टेंशन मत लो, तुम जीतना है या हारना है, लाभ है हानि है, इस सब की टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला था अगर तुम हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य मिलेगा, तो तुम गेन कर रहे हो। और इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अरे प्रॉफिट लॉस को देखना ही नहीं है, लाभ हानि को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। तो 2.31 से 37 में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कर्म कांड के स्तर पर, यहां से भगवान लेवल चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं क्षत्रिय का धर्म है कि तुमको युद्ध करना है, तो तुम ये सब मत सोचोगी हार होगी कि जीत होगी, प्रॉफिट होगा कि, जस्ट अपना कर्म करो। और जब निष्काम भाव से कर्म करोगे तो क्या है, तुमको ये जो पाप है इसका नहीं लगेगा। तो भगवान बोले की चीज रहे हैं, 11 से 30 में भी बोला है युद्ध करो, 31 से 37 में भी बोला है युद्ध करो, और अभी 38 से 53 में भी बोलने वाले हैं कि युद्ध करो। लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन चेंज है थोड़ा, ये क्योंकि भगवान अलग अलग स्तर से अर्जुन को समझा रहे हैं। यहाँ पे भगवान कर्म योग के स्तर पे निष्काम कर्म योग का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये श्लोक लिखा है, देव ऋषि भूता पितृणाम पितृणाम ना किंकरो नायणी चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्थम। तो भगवान यहाँ पे ये प्रभुपाद जी श्लोक के द्वारा ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे संसार में व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी है, देव ऋषि देवताओं के प्रति जिम्मेदारी है, देवताओं के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न प्राप्त होता है, अन्न के द्वारा जीव का जीवन निर्वाह होता है, ऋषि ऋषियों ने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं उनके प्रति जो लिविंग एंटिटी है उसका जिम्मेदारी है, और जो लिविंग एंटिटीज हैं बहुत सारी लिविंग एंटिटीज हैं उनका भी अपना अपना रोल है, जैसे हमको गाय से दूध मिलता है, और भी अलग अलग लिविंग एंटिटीज हैं
वो अपना रोल प्ले करती है, तब हमारा जिससे हमको बेनिफिट मिलता है। नृणाम पितृणाम, जो पित्र हैं बाकी जो लोग हैं सोसाइटी में, ये सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इन सबका ऋण है हमारे पास। ये तो ये जो ऋण है ये सबको चुकाना होता है। लेकिन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम, अगर पूरी सर्वात्मना, जैसे शिक्षा अष्टकम में आता है सर्वात्मना आसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, पूरे हृदय से व्यक्ति अगर कोई भगवान का शरण ले लेता है तो इतने सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में वैसे ही व्यक्ति ने ऑलरेडी लोन लेके, हर व्यक्ति के पास लगभग लगभग लोन है आज की डेट में। और अगर उसको ये श्लोक पढ़ लिया उसने तो देखेगा कि 6-7 लोन ऑलरेडी है पिछले वाले। ऑलरेडी मैं एक लोन तो अभी लिया हूँ, उसमें इतना टेंशन है मेरे को, और ये 6-7 लोन ऐड हो गए तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और ये जो लोन है, जो इस संसार में लोन लिया है, उससे बड़े लोन है। देवताओं का जो ऋण है, ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, तो एक एक करके लोन चुला चुकाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई भगवान की शरण ले लेता है, तो भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान क्या है, इसका सारा लोन खत्म कर देते, ये श्लोक में बताया है। तो इसी के माध्यम से प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जब वो भगवान के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको नहीं लगे, हालांकि श्लोक निष्काम कर्म योग का है, लेकिन ये प्रभुपाद जी का ब्यूटी है। प्रभुपाद जी कहीं पे भी, हाँ, परपोट में प्रभुपाद जी ने भक्ति के परपोट्स दिए। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है सिद्धांत है निष्काम रूप से, तो कोई भी कर्म है उसका रिएक्शन कब बनता है? रिएक्शन बनता है जब व्यक्ति उसका रिजल्ट एंजॉय करना चाहता है, सकाम कर्म का रिएक्शन बनता है। लेकिन जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो निष्काम कर्म का रिएक्शन नहीं बनता है। तो वो काम करेगा लेकिन रिएक्शन नहीं बनेगा, तो देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे 3.13 का जो एक्सप्लेनेशन है हम देखते हैं तीसरे अध्याय में, कि यज्ञ शिष्टा सनातनो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजन्ते त्वा अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। ये श्लोक बताया गया है, भगवान को भोग लगाने की महिमा इसमें बताई गई। अब दो व्यक्ति हैं वो खा रहे हैं, सपोज दो लोग बैठे हैं वो प्रसाद ले रहे हैं, दोनों की प्रसादम की प्लेट रखी हुई है, प्रसादम प्लेट में सेम आइटम है, दोनों की प्लेट में 5 आइटम है वो प्रसाद खा रहे हैं ये। लेकिन एक व्यक्ति है वो प्रसाद खा रहा है जो भगवान को भोग लगा हुआ है, दूसरा व्यक्ति है बिना भोग लगा हुआ खा रहा है, आइटम सेम है, सब कुछ सेम है। तो जो भगवान का भोग लगा हुआ खा रहा है उसके लिए पहली लाइन है 3.13 की, यज्ञ शिष्टा सिना संतो। यज्ञ का जो उच्छिष्ट है, यज्ञ मतलब भगवान को, भगवान ने जो प्राप्त किया है उनका जो उच्छिष्ट है, सिना आसिना उसको जो खाता है संत, ऐसे जो महात्मा लोग हैं, हाँ, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो एक एक निवाले पे उसके कई पाप कट रहे हैं, एक एक बाइट पे कई पाप उसके कट रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद खा रहा है। जो दूसरा व्यक्ति है सेम प्लेट है, सेम आइटम है, सब कुछ सेम है, क्या है उसके लिए दूसरा लाइन है, भुंजन्ते ते अघम पापा, भुंजन्ते जो भोग करता है, हाँ, अघम पापा वो पापी व्यक्ति पाप खाता है, ये पचंती आत्म कारण, जो अपने को खाने के लिए केवल बनाता है, भगवान को भोग नहीं लगाता, वो पाप खाता है। तो पिछले जन्म का तो ऑलरेडी इतना पाप का फाइल बचा हुआ है, और एक एक बाइट पे वो और पाप ऐड कर रहा है। तो दोनों व्यक्ति क्या है, सेम क्रिया कर रहे हैं, सेम थाली है स्टील की, सेम आइटम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक व्यक्ति प्रसाद खा रहा है पाप से मुक्त हो रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या है अनऑफर्ड खा रहा है जिसका भोग नहीं लगाया गया, तो एक एक बाइट पे पाप कर रहा है। तो क्रिया देखने में सेम लगती है लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे अर्जुन इतने घोर कर्म में, देखने में युद्ध में कर रहा है, लेकिन युद्ध करते हुए भी क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार कर रहा है और निष्काम भाव से करेगा, तो युद्ध करते हुए इतने घोर कर्म में लोगों को मारने के बाद भी रिएक्शन नहीं बनेगा ये। और दूसरा व्यक्ति है
उसको क्या है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है तभी भी रिएक्शन बनेगा। एक डिवोटी एग्जाम्पल दे रहे थे, सांस लेने का भी बोले रिएक्शन बनता है। सांस लेने का कोई व्यक्ति है कुछ नहीं कर रहा है, कोई सोचेगा हम तो कुछ भी नहीं करते, वो तभी भी रिएक्शन बनता है। जैसे कोई व्यक्ति हो जाता है बड़ा वृद्ध हो जाता है, 70 साल 80 साल, तो 80 साल का व्यक्ति रहता है वो केवल सांस ले रहा है, लेकिन उसकी पेंशन आती है कि नहीं? 20 हजार 25 हजार 30 हजार उसका पेंशन आता है। तो 25 30 हजार उसका पेंशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, सांस ले रहा है ना केवल, तो सांस लेने का रिएक्शन बन रहा है। जब तक सांस ले रहा है तब तक पेंशन आएगी, जिस दिन सांस लेना बंद हो गया पेंशन नहीं आएगा। तो इस संसार में भी हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन बन रहा है, सांस ले रहा है केवल उसका रिएक्शन बन रहा है। तो इसी तरह सांस लेने का भी रिएक्शन बनता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण के लिए भी जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता है। तो जब इस संसार में रिएक्शन बन रहा है तो वहां भी रिएक्शन बनेगा। तो वो क्रिया सेम लगती है। तो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है तभी भी संसार के बंधन में बंधते जाएगा, दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ करने पे भी नहीं बंधेगा। डिपेंड करता है कौन सी चेतना में व्यक्ति काम कर रहा है, उसके मन की भावना क्या है, ये सिद्धांत है। तो संसार में व्यक्ति की अपेक्षा है कि सब कुछ अच्छा हो। यहाँ पे बताया भगवान ने कि तुम सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय इसको टेंशन मत लो। तो व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, वो पॉजिटिव चीज चाहता है, प्लेजर प्रॉफिट सक्सेस, उसको लगता है हमेशा सुख मिले और लाभ हो और हमेशा विजय हो। लेकिन संसार का स्वभाव क्या है कि सुख है जो लाभ है और सफलता है, इसी पैकेज में दूसरा साइड भी है। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ा हुआ है, सफलता के साथ असफलता जुड़ा जुड़ा हुआ है। तो भौतिक परिस्थिति में हमेशा दोनों चीजें साथ में रहती हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज पुत्र नहीं था तो बड़ा शोक कर रहे थे, तो अंगीरा मुनि ने जब आशीर्वाद दिया बोले ठीक है पुत्र होगा लेकिन सुख और दुख दोनों का कारण होगा, इतना सीरियसली नहीं लिया उस समय। हाँ, उसका नाम था हर्ष शोक। तो ये संसार में सारी भौतिक चीजें हर शोक की तरह वो दोनों चीजें डिलीवर करेंगी, क्योंकि कोई भी चीज है जितनी हमको प्रिय है वो, तो बेस्ट एंड वर्स्ट आर ऑलवेज बाउंड टुगेदर इन मटेरियल लाइफ। कोई भी चीज जितनी हमको प्रिय है जब वो प्राप्त होती है, जब उससे वियोग होता है, जब उसको छोड़ना पड़ता है, तो उतना ही दुख मिलता है। तो ऐसा संसार का सिद्धांत है। डिवोशनल लाइफ जो है, जो भक्ति है, वही एक ऐसी चीज है जिसमें इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता है। भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति में केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, वहां पे आध्यात्मिक जगत में कोई नेगेटिव चीज नहीं। लेकिन भक्ति के पैकेज को स्वीकार करने के लिए पहले व्यक्ति को मटेरियल पैकेज है उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे उदाहरण देते हैं राधानाथ महाराज एक प्रवचन में, कि जो भौतिक जगत का सुख है वो 50 पैसे की तरह है, और जो आध्यात्मिक जगत का सुख है वो क्या है, 1 करोड़ का चेक है। तो 1 करोड़ और 50 पैसे में तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो 1 करोड़ का चेक कब हमको डिलीवर होता है, जब 50 पैसे को हम छोड़ देते हैं। और जीवात्मा का स्वभाव क्या है, वो छोड़ना नहीं चाहता वो 50 पैसे को, वो 50 पैसे को पकड़ के रखता है। तो जब तक वो, इसीलिए ये श्लोक बोला गया है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में जब व्यक्ति थोड़ा सम रहता है और समता को मेंटेन करते हुए वो फोकस करता है भगवान की सेवा में, तो क्या होता है, भगवान की सेवा करेगा उसको 1 करोड़ का चेक मिलेगा, और ये 50 पैसे जो उसने मुट्ठी बांध के पकड़ रखे हैं इसको छोड़ने की शक्ति भी मिलेगी। ये नहीं तो क्या है, अभी जैसे उसको सुख और दुख, लेकिन क्या है, बार्गेनिंग कितनी है, 50 पैसे की हो रही है, 50 पैसे मिलेंगे या छूटेंगे। लाभ हानि बार्गेनिंग 50 पैसे की हो रही है, जय पराजय बार्गेनिंग 50 पैसे की हो रही है। लेकिन अगर इनमें सम रहेगा, इनमें समता को मेंटेन करके भगवान की भक्ति में लगेगा, तो क्या है, 1 करोड़ का चेक उसके लिए
वेट कर रहा है। एशेता एशा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगा तुम इमाम सुनो बुद्धया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब भगवान 2.39 से अर्जुन को एक्सप्लेन करेंगे कैसे उसको निष्काम कर्म करना चाहिए और निष्काम कर्म से कैसे वो पापों से बच जाएगा। तो भगवान को समझ में आ रहा है, इस समय भगवान समझ गए हैं कि अर्जुन क्या बिल्डर हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है भगवान अलग अलग तरीके से क्या समझा रहे। हाँ, पहले भगवान ने तो सोल का कॉन्सेप्ट समझाया एनालिसिस के द्वारा, काउंटिंग के द्वारा। उसके बाद भगवान ने बताया अभी ये कर्मकांड का कॉन्सेप्ट कि तुम दोनों केस में तुम्हारा गेन ही गेन है, कोई लॉस नहीं है। स्वर्ग मिलेगा तो भी गेन है, अमृत राज्य मिलेगा तो भी गेन है। फिर 2.38 में भगवान ने बोला गेन लॉस हटाओ, बाजू में रखो गेन लॉस, हाँ, और तुम युद्ध करो। तो अर्जुन सोच रहे तो कॉन्सेप्ट सटासट एकदम चेंज हो रहा है फटाफट ये। तो इस श्लोक में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को, एशे ते बिहिता सांख्य। ये अर्जुन एशे ते अभिहिता, मैंने जो तुमको समझाया है सांख्य, अभी तक मैंने जो तुमको समझाया है वो क्या है, सांख्य योग था। बुद्धि योग त्वाम इमाम सुनो, अब तुम बुद्धि योग के बारे में मेरे से सुनो। बुद्धो युक्तो यया पार्था, और बुद्धि से युक्त होके हे पार्थ जब तुम कर्म करोगे, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म के बंधन से जब मुक्त हो जाओगे तो तुमको यहाँ संसार में कष्ट को नहीं झेलना पड़ेगा। ये भगवान समझा रहे हैं। तो ये श्लोक में जो चार महत्वपूर्ण टर्म यूज हुई हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं सांख्य बुद्धि योग योग युक्ता। सांख्य वह शब्द का मतलब क्या है, जो दूसरा अध्याय है उसको आचार्य ने सांख्य योग उसका नाम दिया है। हालांकि सांख्य डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है, बट सांख्य योग का मतलब है, इसमें भगवान ने एनालिसिस के द्वारा, सांख्य मतलब संख्या, काउंटिंग के द्वारा समझाया है ये। तो 2.11 से जो 30 है वो सांख्या एनालिसिस है, एनालिसिस के द्वारा भगवान ने बताया देखो आत्मा का स्वरूप कितना है, आत्मा का साइज कितना है, आत्मा कैसा होता है, इसका लक्षण क्या है, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो ये। और ये समझाने के बाद भगवान ने फिर कर्मकांड के द्वारा समझाया, और अब भगवान ये दोनों को कंबाइन करके बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को समझाने वाले हैं। अलग अलग लेवल भगवान बता रहे हैं। बुद्धि का मतलब है इंटेलिजेंस, सांख्य मतलब व्यक्ति जो एनालाइज करता है। तो बुद्धि क्या है, इंटरनलाइज्ड विजडम। जैसे भगवान ने भगवद गीता के 10.10 में बोला है ददाम बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन वाम उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे कि वो, ऐसी बुद्धि में देता हूं मैं जिससे कि वो व्यक्ति मेरे तक आ सके ये। तो बुद्धि योगा मतलब ऐसा बुद्धि जिसके द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं ये। तो बेसिकली बुद्धि योगा हाईएस्ट लेवल पे क्या है, वो भक्ति हो गई है ये कंप्लीट सेंस में। और वही भगवान यहाँ पे अर्जुन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी भगवान ने भक्ति ओपनली इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अपने को भी अभी तक ओपनली इंट्रोड्यूस नहीं किया है भगवान ने गीता में कि मैं भगवान हूँ, इसलिए उसको नहीं बोलते। तो भगवान ने अर्जुन को जो ऑप्शन दिए, तो पहले वाले 31 से 37 में भगवान ने बताया कि तुम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, तो जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा मृत्यु के बाद। लेकिन हमको पता है स्वर्ग तो क्षणिक है, स्वर्ग टेम्परेरी है, स्वर्ग से भी ऊपर मुक्ति है। तो अगर कोई पुण्य करता है तो स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन ये जो निष्काम भाव से काम करेगा तो उसको और भी ऊपर वाला चीज कुछ प्राप्त होगा। तो भगवान जो अपना डिस्कशन है उसको एक लेवल ऊपर उठा रहे हैं ये कि हे अर्जुन तुम समय सुखे दुखे समय कृता लाभे लाभो जय जय, इस सुख दुख में सम रह के तुम कर्म करो। क्योंकि तुम युद्ध करोगे हारोगे तो राज, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मृत्यु हुई तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग मिलता है पुण्य से, लेकिन कोई निष्काम भाव से काम करता है तो स्वर्ग के ऊपर वाली चीज मिलती है, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं।
निष्काम भाव से व्यक्ति व्यक्ति काम करता है, उसको आत्मज्ञान मिलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और फिर वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ये तो स्वर्ग में एंजॉयमेंट व्यक्ति को ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी वो मटेरियल एंजॉयमेंट रहता है। शीने पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। और जैसे ही पुण्य खत्म होता है, क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया, एरोप्लेन में फ्यूल खत्म हो गया, उसको वापस आना पड़ता है नीचे। तो यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं उसके ऊपर का चीज कि अगर तुम ऐसे काम करोगे, कर्म बंधम प्रहास्यति, ये आने जाने का चक्कर थोड़ा क्या है, यही चला जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया 2.39 के, बुद्धि योगा इज देयर फुल द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट इज मुझे परफॉर्म। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ ओके, सो प्रभुपाद इज टेलिंग है, यू आर एबल टू हियर टिल नाउ? हाँ यस मुझे थोड़ा सा पीछे ब्रेक हुआ है, सुधर ओके, गया। सो दिस 2.39 भगवान क्या है, अर्जुन को एक लेवल ऊपर का चीज बता रहे हैं। लाइक लास्ट भगवान ने पिछले श्लोक में 31 से 37 में अर्जुन को बताया कि तुम युद्ध करो, हारोगे तो तुम मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। अब जो स्वर्ग है वो पुण्य कर्म से मिलता है, लेकिन स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है, स्वर्ग में भोग तो ज्यादा है, इंजॉयमेंट ज्यादा है। एक व्यक्ति नॉर्मल रूम में, दूसरा व्यक्ति एसी रूम में, तो एसी रूम में इंजॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन क्या लाइट चली गई तो एसी बंद हो जाएगा, फिर वो बाहर वाले से कई बार हो सकता है उससे भी ज्यादा दुखी हो जाए। तो इसी तरह भगवान ने 9वें चैप्टर में बताया है, शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि वही इस व्यक्ति स्वर्ग जाता है, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होता है उसको मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन जब निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसके भी ऊपर की चीज मिलेगी, कर्म बंधम प्रहास्य से, कर्म बंधन से वो पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में लिखते हैं, बुद्धि योगा इज देयर फॉर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी परफॉर्म। बुद्धि योग क्या है, वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क है। तो बुद्धि योगा केवल क्रिया नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क। ट्रांसेंडेंटल कैसे हो जाता है कोई वर्क, कोई भी क्रिया जो है वो दिव्य कैसे हो जाती है, वो डिपेंड करता है वो व्यक्ति वो क्रिया क्यों कर रहा है, उसका क्या मोटिवेशन है, क्या इंटेंशन है। ये अगर वो भगवान के लिए वो क्रिया कर रहा है या अपने भोग के लिए किया कर रहा है वो क्रिया, तो अब वो खुद अगर वो रिजल्ट को एंजॉय करना चाहता है तो वो मंडेन हो जाती है वही क्रिया, और वो भगवान के लिए करता है वही चीज क्या है, वो दिव्य हो जाती है। तो इतना क्रिया क्या है कि वर्क एक्टिविटी इज एक्सटर्नल, कॉन्शियसनेस इज इंटरनल। तो किसी भी क्रिया में दो चीजें रहती हैं, एक है जो बाहर क्रिया करता है व्यक्ति, दूसरा है जो अंदर का उसका मनोभाव रहता है। तो उसका जो मनोभाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्रिया तो हमको करनी चाहिए, और समय के साथ साथ व्यक्ति को देखना चाहिए कि जो अंदर का भावना है वो भी शुद्ध होना चाहिए। जो अंदर का भावना है, जैसे कोई व्यक्ति दान दे रहा है, वो दान दे रहा है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है तो मैं ही दान दे रहा हूँ, तो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कितना उदार व्यक्ति हूँ, वो ऐसी भावना से दान दे रहा है। तो 17वें अध्याय में देखेंगे ये दान बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये भी अच्छा है, ना देने से अच्छा है, कम से कम दे रहा है। लेकिन उसका भी अलग अलग लेवल है। लेकिन कोई दे रहा है ये जानते हुए कि ये तो मेरा है ही नहीं, जैसे गंगा जी का जल गंगा से लेके हम गंगा जी में ही देते हैं, हम अपना क्या दे सकते हैं, तो भगवान का ही है, मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसकी चेतना अलग है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जब चेतन महाप्रभु गए, चेतन महाप्रभु के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। सार्वभौम भट्टाचार्य से चेतन महाप्रभु ने पूछा, अरे किसने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, जिसके लिए बने हैं उसी ने बनाए हैं, जिसके लिए बने हैं उसने उसी ने बनाए हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी पत्नी ने बनाए हैं। रामानंद राय के साथ जब चेतन महाप्रभु का संवाद हुआ, रामानंद राय ने इतने इतने तर्क, इतने ऊपर लेवल तक, वर्णाश्रम से शुरू करके माधुर रस की पराकाष्ठा तक सारे तत्वों का निरूपण किया
चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे कोई मिला नहीं है आज तक सृष्टि में जिसने इतने इतने विस्तार से तत्वों का निरूपण किया, बहुत बड़े ज्ञानी है। रामानंद राय बोलते हैं कि जैसे कोई वीणा बजाता है तो वीणा बजाने वाला जो तार दबाता है वैसे ही आवाज निकलती है, ऐसे ही ये जो मेरी जो जीवा है ये तो वीणा की तरह है, जो तार आप दबा रहे हैं वही निकल रहा है, जो आप बुलवा रहे हैं इससे वही निकल रहा है। तो पॉइंट क्या है कि व्यक्ति की कॉन्शियसनेस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सुनते हैं वो उसके मन में क्या चल रहा है, वो वैश्या का और ब्राह्मण का उदाहरण, वैश्या और ब्राह्मण आमने सामने रहते हैं, तो ब्राह्मण है वो रोज भगवान का कथा कर रहा है वो, लेकिन रोज वैश्या को देखते रहता था, वो देखता है कि रोज अलग अलग लोग व्यक्ति आ रहे हैं वैश्या से मिलने, और पूरी अपनी कथा में वैश्या का ये एग्जाम्पल वो कोट करता था कि वैश्या है तो दिन भर ऐसा कार्य करती है, इतना घृणित गर्हित कार्य करती है, और जो वैश्या है वो भी ब्राह्मण को देखते रहती थी। वो वैश्या सोचती थी मैं तो कितनी पतित हूँ और मैं कितना गर्हित मेरा कार्य है आजीविका के लिए, ये ब्राह्मण कितना उच्च है और ये भगवान की कथा को पढ़ रहा है कितना स्पेशल है। तो मृत्यु के समय यमदूत आते हैं और विष्णु दूत दोनों आते हैं, तो यमदूत आ जाते हैं ब्राह्मण के एड्रेस पे और विष्णु दूत चले जाते हैं वैश्य के एड्रेस पे। तो ब्राह्मण बोलता है यमदूतों से कि थोड़ा यू आर मिक्सड अप, कुछ मिस्टेक हो गया है, आप लोगों को वहां जाना है हाँ, और वो विष्णु दूत हैं उनको यहाँ भेजिए। तो वो बोल यमदूत चेक करते हैं, बोलते नहीं नहीं हमको यही एड्रेस मिला है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो पढ़ रहा है शास्त्रों को लेकिन उसका मन में क्या चिंतन कर रहा है वैश्या का, और जो वैश्या है उससे एक्सटर्नल रूप से गलत काम हो रहा है लेकिन वो निरंतर उसका चिंतन किसका चल रहा है कि ब्राह्मण तो भगवान की कथा कर रहा है, भगवान तो का चिंतन उसका भगवान का। ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर इसका सिद्धांत क्या है कि जब भी व्यक्ति भक्ति की क्रिया को स्टार्ट करता है तो पहला सबसे लोएस्ट लेवल रहता है तो भक्ति कर ही नहीं रहा है, बाहर के काम कर रहा है, संसार के काम कर रहा है, संसार का ही चिंतन कर रहा है। फिर वो भक्ति में आता है तो सुबह 2-3 घंटे 4 घंटे भक्ति के लिए निकालता है, तो क्रिया भक्ति की कर रहा है लेकिन चिंतन संसार का हो रहा है क्योंकि पहले का इतना बैकलॉग है, दूसरा स्टेज है। फिर तीसरा स्टेज क्या होता है, भक्ति की क्रिया के समय भक्ति का ध्यान भगवान का ध्यान आता है, संसार में जाता है संसार का ध्यान आता है, तो 3-4 घंटे जब जप कर रहा है और भगवान के बारे में पढ़ रहा है सुन रहा है भगवान का ध्यान आएगा, जैसे ही गाड़ी लेके ऑफिस निकलेगा संसार का ध्यान आएगा। फिर धीरे धीरे जब भक्ति की क्रियाएं वो सम्यक रूप से और चेतना से करने लगता है, तो जब वो मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है सुन रहा है जब कर रहा है तब तो उसको भगवान का ध्यान आता है, और क्योंकि वो बहुत सम्यक रूप से क्रिया कर रहा है, मोबाइल नहीं चला रहा है बीच में, जब करते समय जब कर रहा है पूरा ध्यान से अपने हृदय से, जब वो ऑफिस जाता है ऑफिस जाते समय भी उसको ध्यान आता है सुबह क्या लेक्चर सुना था और क्या पढ़ा था, तो जो भी उसने वो सब उसको ध्यान आता है, परकोलेट होने लगता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मटेरियल लाइफ में भी परकोलेट होने लगता है, जैसे इंक डालते हैं कपड़े में वो स्प्रेड होने लगती है, और धीरे धीरे फिर वो स्तर आएगा जैसे थर्ड चैप्टर में जनक महाराज का उदाहरण दिया है, वो कोई भी कार्य कर रहा है उसको भगवान का ही ध्यान आ रहा है, बाहरी रूप से कोई भी कार्य हो रहा है लेकिन उसका चिंतन भगवान में लगा है। तो ये फाइनल स्टेज है जिसका उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।